जय हिंद। मैं कोई 20 साल से सुन रहा हूँ मुंबई एक दिन शांघाई बनेगा, पर पता कैसे चलेगा कि मुंबई शांघाई बन गया है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई शांघाई बन जाए और किसी को पता ही ना चले। इसलिए आज शांघाई फिल्म के स्टार इमरान हाशमी और डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी हमें बताएंगे कैसे पता चलेगा कि मुंबई फाइनली शांघाई बन गया। आइए। जब हमारे शहर में इंडियन कम और चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा मिलने लगे, एक्चुअली ये हो चुका है, ये यानी शंघाई हो चुका है, मेड इन चाइना। जब 4 फीट लंबे लोग हमारे देश के सुपरस्टार बन जाएं, एक्चुअली दिबाकर आमिर की हाइट क्या है? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। नहीं, आप क्या हाइट है? अच्छा ठीक है, पास। नंबर 8, हाँ, जब जंबो वड़ा पाव के स्टॉल में जाकर वड़ा पाव मांगने पर जंबो मेंढक पाव मिले, आई मीन जंबो फ्रॉग पाव, या मीन फ्रॉग लेग्स, यू लाइक फ्रॉग लेग्स? आई लव इट। जब 3 करोड़ रुपए देने के बाद फाइनली मुंबई में आप अपना फ्लैट खरीदें और पता चला कि फ्लैट रजिस्टर हो गया है सरकार के नाम पे। जब दीदी गुस्सा होकर माओइस्ट की जगह यू आर अ मुंबईकर कह के गाली दें। जब नीता अंबानी अपनी आईपीएल टीम का नाम रखेंगी शांघाई चिंडियंस। जब दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी का नाम हो शिनचान नगरी। जब गणेश चतुर्थी के दिन लाफिंग बुद्धा का विसर्जन हो। जब ट्रैफिक सिग्नल पर हिजड़े आकर कहें छाओ फात, 10 येन दे देना। जब राज ठाकरे चिल्लाकर कहेंगे मी शंघाई कर, ये भी मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। नहीं, एक्चुअली इन्होंने स्क्रिप्ट किया है, दिबाकर का स्क्रिप्ट है। अगर आपको लगता है ये कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बोल गए हैं तो जल्दी से इस पेज को बंद कीजिए, अपना कैशिंग क्लियर कीजिए और आराम से बैठिए। मुंबई अब तक शांघाई नहीं बना है, कोई घंटा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बी बोल, बी फ्री, जोर से बोलो जय हिंद।